हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों की पुरानी लेगिंग्स जो छोटी हो जाती हैं, जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन लेगिंग्स से किस तरह से बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से बूट बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह की लेगिंग मेरे पास, ये मेरे बेटी की लेगिंग है और ये उसको छोटी हो गई है, तो ये मैं उसे पहनाती नहीं हूँ, तो मैं इसमें से बना रही हूँ उसके लिए सर्दियों के लिए बहुत ही सॉफ्ट से बूट बनाऊँगी। तो इस वाले पोर्शन को तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक हम इसको छोड़ेंगे, जैसे बूट ऊपर तक पहने जाते हैं, और इस तरह से हम इसे कट करेंगे। तो मेरे पास एक बूट ऑलरेडी है उसका, तो मैं उसी से मेज़र कर रही हूँ। तो इस तरह के सॉफ्ट बूट बना के आप घर में पहना सकते हैं बच्चों को। घर में जैसे सॉक्स नहीं पहनते हैं बच्चे, तो इस तरह के सॉफ्ट से आप बूट बना के उनको पहना सकते हैं घर में। तो ये बूट लिया है मैंने और इससे मैं मेज़र कर रही हूँ कितना बड़ा हमें इसे बनाना है। तो यहाँ से ऊपर रख के इसके, और इतना मैं इसको कट कर लूँगी, इतना ऊपर से रखना है, इतना नीचे से रखना है, तो इतना मैं इसे कट करने वाली हूँ। और अगर आपके पास बूट नहीं है तो आप सिंपल जो बच्चे के सैंडल होते हैं, चप्पल होती हैं, उनसे आप इसे मेज़र कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपने ऊपर छोड़ना है, 2-3 इंच आपको ऊपर छोड़ना है, और उसके बाद नीचे से इस तरह से तिरछा कट करना है। और यहाँ से आप सिलाई लगा सकते हैं साइड से अगर ढीला है तो। तो ये देखिए, ये ऊपर का पोर्शन बन के रेडी है, और अब हम इसका नीचे का बैक साइड का पैतावा, जिसे बोलते हैं, उस तरह से काट लेते हैं। तो ये नीचे का सोल हम इसे रख के, ये आप कोई इस तरह की सैंडल भी ले सकते हैं, और इसी के हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो ड्रॉ कर लें इसे फिर काट लें, आप चाहें तो ऐसे रख के काट सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, 2 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम जो हमने पहले काटा है उसे, ऊपर का पोर्शन जो है वो सिल लेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर से इसे गुलाई में काट देती हूँ। तो इसको हम इसके ऊपर सिलने वाले हैं। ये जो कपड़ा है नीचे वाला सोल जो है, ये डबल है, तो इसके अंदर आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी थिक हो जाता है इसी से। और आप चाहें तो इसमें एक फॉर्म शीट का पैंतावा बना के डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे सिल लेंगे, और इसे मैं हाथ से ही सिलने वाली हूँ। तो सुई धागे से आप इसको स्टिच कर लें, और इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इसे मैं उल्टा करके, ऊपर की साइड से उल्टा करके सिल रही हूँ। तो सिंपल टांके जो हम सिलाई करते हैं नीडल से, सुई से, उस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसलिए आप मोटी वाली सुई का यूज़ करें। और इसको बनाना बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर ये बनके रेडी हो जाएगा एक शूज़, और बहुत ही आरामदायक बच्चों के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और गर्म शूज़ बनके रेडी हो जाएंगे ये। और इसको आप प्लेन जो लेगिंग्स होती हैं उसमें से भी बना सकते हैं, जो मोटी सी लेगिंग हो थोड़ी उससे आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसे पूरा सिल लेंगे। ये मैंने सिल लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, साइड से भी मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा दी इसमें, और इसे अब सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए,
ये नीचे का जो साइड है बहुत ही मजबूत बनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये हमारे बच्चे का शूज़ बन के रेडी है, बूट बन के रेडी है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, आपने देखा मैंने 2 मिनट के अंदर इसे बना के रेडी कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए पुरानी लेगिंग्स में से बूट की तरह शूज़ तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पहनने के बाद इसका एक्चुअल लुक आएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सॉफ्ट सा है, बहुत ही प्यारा सा बना है। तो अगर आपके पास पुरानी लेगिंग्स पड़ी हैं बच्चे की तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसे मैंने सिर्फ एक साइड से ही बनाया है, ये एक साइड से मैंने पूरा एक शूज़ तैयार किया है और दूसरी साइड से हम दूसरा शूज़ तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से 2 शूज़ इसमें से बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के पहनाएं इस तरह के शूज़, और इनको बनाना भी बेहद आसान है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे बटन प्रेस कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।